अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य पे सोलन में उपायुक्त राकेश कंवर ने पुराने उपायुक्त कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक केंद्र, छोटे बच्चों के लिए देखभाल केंद्र, बुक हब के अतिरिक्त खंड तथा साप्ताहिक गतिविधियों के लिए सम्मेलन केंद्र का शुभारंभ किया। वरिष्ठ नागरिक केंद्र का शुभारंभ पुराने उपायुक्त कार्यालय की निचली मंजिल में किया गया है। यहां वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन, इंडोर गेम्स तथा अन्य गतिविधियों के लिए एक ही स्थान में ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उपायुक्त राकेश कंवर ने अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं तथा उनका मान सम्मान सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भागदौड़ के जीवन में विशेषकर युवा पीढ़ी के पास समय की कमी है, ऐसे में परिवारों में संवेदनहीनता की स्थिति बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में ये केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के आपसी संवाद का सुदृढ़ केंद्र बनेगा। आज हमने इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन के मौके पर सोलन शहर में एक सीनियर सिटीजन्स का सेंटर शुरू किया है, जो कि एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया है। इसमें सीनियर सिटीजन्स, यंग बच्चे 10 से 13 साल तक के, उनकी चिल्ड्रन लाइब्रेरी और एक क्रेच प्लेइंग एरिया एक साथ चलेगा, ताकि डिफरेंट जनरेशन्स एक दूसरे से मिल सकें, इंटरैक्ट कर सकें और जो बुजुर्ग हैं उनको बच्चों का और बच्चों को बुजुर्गों का साथ मिल सके। मुझे उम्मीद है कि इस सेंटर के बनने से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी एक बहुत बड़ी जरूरत तो पूरी होगी, लेकिन पूरे के पूरे परिवार के लिए एक ऐसा स्थान होगा जो कि बहुत अच्छे माहौल में लोगों को एक दूसरे से मिलने का, अपने अनुभव साझा करने का और अपने समय को अच्छे तरीके से बिताने का मौका देगा।